Yes, Beta Class 3rd. Today we have to discuss your next exercise 9.8. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In which the first question is convert into milliliter. यहाँ पे क्या रख किया गया है? Convert into ml means milliliter में convert करना है इसको. जो भी units यहाँ पे given है उनको milliliter में convert करना है. Let's say यहाँ पे point number A की बात कर रहे हैं, जिसमें given आपका 2 liter. 2 liter into L. बेटा 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. मीन्स 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से हियर 2 लीटर इज इक्वल टू 2 × 1000 ml. इट मीन्स 2000 ml. 2 लीटर में कितने ml हो जाएंगे? 2000 मिलीलीटर हो जाएंगे. ओके, इफ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. यस बेटा, इफ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml देन 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml. ओके, यस सर. यस सर. सेम एज इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंटों को 1 मीन्स A B C D सेम एज ही करना रहेगा. देन आफ्टर पॉइंट नंबर ई, ये आपका हम डिस्कस कर ले रहे हैं. ओके, पॉइंट नंबर ई की बात कर रहे हैं. इसमें गिवन है 3 लीटर 706 ml. 3 लीटर 706 ml. इसको आपको टोटल ml में कन्वर्ट करना है. आप देखो कैसे राइट करते हैं इसके लिए. थ्री लीटर 706 ml है यहाँ पे ना. क्या करना आप लीटर को, 3 लीटर को ml में कन्वर्ट कर देते. ऑलरेडी आपका 706 ml गिवन है, केवल हमें 3 लीटर को ml में कन्वर्ट करना है. तो 3 लीटर इसको तो हम राइट करेंगे डायरेक्ट. क्या है तो राइट कर सकते हैं 3000 ml. 3 लीटर इज इक्वल टू 3000 ml. इफ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, इट मीन 3 लीटर इज इक्वल टू 3000 ml. ओके, 3 लीटर में कितने ml होंगे? 3000. अब बात आती है 3 लीटर 706 ml इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे यहाँ पे? 3 लीटर के प्लेस पे राइट करेंगे 3000 ml प्लस 706 ml और है, उसी को ऐड कर लेंगे इसमें. 706 ml और है, इसको भी इसी में ऐड कर लेंगे. आंसर आएगा 3706 ml. 3706 ml. योर आंसर इज 3706 ml. ओके, ये पॉइंट क्लियर है? इन्होंने कहा था 3 लीटर 706 ml इसको टू वाट, तो आप राइट कर सकते हैं 3706 ml. लेट्स से पॉइंट नंबर इसका एक और एक पॉइंट डिस्कस कर ले रहे हैं. ये तो ये क्लियरली आपको ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर. यस सर. थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है ना, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है थोड़ी सी ना. आज बेटा वैसे ही मौसम हो गया है पूरी तरह से, मतलब अंधेरा छाया हुआ है तो विजिबिलिटी प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी. एडजस्ट कीजिएगा तो. ओके, यस सर. यस सर.
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर जे डिस्कस कर लेना और आई डिस्कस कर लेना, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, जे के आई जे डिस्कस कर लेना। 3 लीटर 340 ml, इसको भी सेम एज 3340। इसका आंसर क्या होगा? 3 लीटर 340 ml इक्वल टू हाउ मेनी ml? 3340 ml। क्या आंसर आएगा? जे नंबर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर पॉइंट नंबर जे को हम राइट करना चाहें ml में, तो क्या राइट करेंगे? 3 लीटर 340 ml को राइट करना चाहते हैं ml में, तो क्या आएगा आंसर? 3340 ml। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेम एज यू विल सॉल्व द पॉइंट नंबर वन। ओके, ऐसे ही सारा करना रहेगा, कर लेंगे आप लोग, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ओके, यस सर। करें कन्वर्ट इनटू लीटर एंड मिलीलीटर। आपकी अभी क्या करना है आपको? कन्वर्ट करना है बट इनटू लीटर एंड मिलीलीटर। यहां से देखिए, कन्वर्ट इनटू लीटर एंड मिलीलीटर। मिलीलीटर, सॉरी मीटर, LITRE। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, वॉइस कहां से आ रही है? म्यूट कीजिए अपने आप को। एक्चुअली करना क्या है इसमें? करें कन्वर्ट इनटू लीटर एंड मिलीलीटर 7000 ml। यहाँ पे गिवन क्या आपका? 7000 ml। इस 7000 ml को मिलीलीटर एंड लीटर बोथ में रिप्रेजेंट करना है, तो देखते हैं क्या एक्जैक्टली आने वाला क्या है। इसके लिए आप क्या करेंगे? इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके बेटा, यस बेटा, ml को इफ यू वांट टू कन्वर्ट ml इनटू लीटर देन यू हैव टू डिवाइड ml बाई 1000। ओके, ml को क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो लीटर में आ जाएगी। लेट्स से यहां से डिवाइड करेंगे, ये 7000 ml है, इसको हम क्या करते हैं, 7000 ml को 1000 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली आएगा क्या। 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आता है। जो रिमाइंडर होगा वो ml होगा, जो क्वेश्चन आएगा वो आपका l हो जाएगा। क्वेश्चन लीटर में होगा
और रिमाइंडर क्या होगा? एमएल में होगा. ओके यहाँ 1000 का टेबल कितने टाइम रीड करना है कि इसका 7000 से मोर ना हो? 7 टाइम. यहाँ पे 7 टाइम जाएंगे 1000 7 जा 7000 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 7000 ही आएगा. यानी ये कैंसिल हो जाएगा, 00 यहाँ पे आ जाएगा. एमएल में 00 हो जाएगा या कैंसिल कर दो. और यहाँ पे लीटर 7 लीटर हो जाएगा. आंसर कितना होगा? राइट है, 7000 ml डिवाइड बाय 1000 अगर हम राइट करते हैं तो इसको 7 लीटर राइट कर सकते हैं. ओके, यानी इसको 7000 ml को क्या राइट कर सकते हैं? 7 लीटर. आंसर 7L. 7000 ml इक्वल टू 7 लीटर. बिकॉज रिमाइंडर 00 आ गया, ml में नथिंग आ रहा है, तो आपका ओनली लीटर में आंसर आएगा 7 लीटर. सेम एज बेटा, योर नेक्स्ट पॉइंट इज, ऐसे ही आप करेंगे, पॉइंट नंबर ई की बात कर ले रहे हैं जो थोड़ा डिफरेंट है, उसको चेक कर लेते हैं. ये पॉइंट क्लियर है जितने लोग, ये जो पॉइंट डिस्कस किया गया आप लोगों को, किसी को डाउट तो नहीं है? अभी जो पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? पॉइंट नंबर 1 को लेकर से समथिंग है सर, नो डाउट है सर? क्लियर है ये पॉइंट आपका जो डिस्कस किया गया सर? मैं जो आप लोगों से आज कर रहा हूँ प्रॉपरली सुनाई दे रहा आप लोगों को? मेरी वाइस क्लियर ना रही थी, पहले बताइए. सर कट कट के आ रही है, वाइस क्लियर नहीं हो रही है? आ रही है. यस बेटा, जो पॉइंट अभी डिस्कस किया गया इसमें किसको डाउट तो नहीं है? आती क्या से वाइस आ रही सर? बेटा जो पॉइंट अभी डिस्कस किया गया इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? जो पॉइंट अभी डिस्कस किया गया इसमें किसको डाउट तो नहीं है? नो सर. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. ओके, ऐसे ही आपका पॉइंट नंबर ई की बात किया जा रहा है. इसमें गिवन क्या है यहाँ पे? 6345 ml. यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू लीटर एंड मिलीलीटर इन बोथ. ओके, यानी क्या करना है आपको? इसको मिलीलीटर और लीटर बोथ में कन्वर्ट करना है. तो देखते हैं कैसे करेंगे. बेटा इसके लिए मिलीलीटर को आप, यदि आप मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करना होगा. बिकॉज यू नो दैट 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml. 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और यदि ml को लीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं. ठीक है? यस सर. 1000 डिवाइड टू जो परसेंट आएगा वो लीटर में होगा, जो रिमाइंडर होगा वो एमएल में ही होगा. वन थाउजेंड से डिवाइड करना आपको 6345 एमएल को, कितने टाइम जाएंगे? 6 टाइम. कितने टाइम? 6000 लाना ना हमारे पास. 6000 है और 1000 से डिवाइड करना तो एग्जैक्टली 6 टाइम जाएंगे. 6 टाइम जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6000, माइनस कर देंगे तो आंसर होगा 5 4 3
जीरो या ये एमएल हो जाएगा और ये लीटर हो जाएगा. यस सर. सिक्स लीटर 345 ml. यहाँ से राइट कर सकते हैं 6345 ml इज इक्वल टू 6 लीटर. ओके यस सर. या एक और आपके पास था, इसको करने का एक और तरीका बेटा, ऐसा भी किया जा सकता है इसको. अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है बातें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. 6345 ml, इसमें 1000 कितना है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1000 वैल्यू को अलग से राइट कर लेते हैं. कितने 1000 इसमें बेटा, 6345 में 1000 की बात किया जाए, 1000 प्लस की वैल्यू क्या है इसमें, 6000 कितना है, 6000. अब प्लस इसी में राइट करेंगे 345 ml, तो ये 6000 ml हो गया. देन आफ्टर 345 ml ये हो जाएगा. अब देखो 6000 ml को राइट कर सकते हैं 6 लीटर. क्या राइट कर सकते हैं इसको, 6 लीटर और ये 345 ml हो जाएगा. ओके इस तरह से आंसर ये भी हो सकता है. आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, डिवाइड करके भी राइट कर सकते हैं. जिस तरह आपको क्लियर हो वैसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ओके यस यस बेटा, ये पॉइंट क्लियर है सारे लोगों को, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है. यस सर. यस सर. यस सर. यस बेटा कनीज, आपको शायद डाउट है, किसको डाउट है. No, sir. प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए बेटा. यस. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. गरिमा, सलोनी चौहान, काजल वर्मा, आप लोगों के वीडियो क्यों ऑफ हैं? सर हमारे वीडियो नहीं ऑफ है. सर हमारे यहाँ सर अंधेरा है. अच्छा बेटा, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. पॉइंट नंबर, इसका एक और पॉइंट डिस्कस कर ले रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर जे, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे पॉइंट नंबर जे. ओके, पॉइंट नंबर जे में गिवन क्या बेटा, 3565 ml. इसको लीटर एंड मिलीलीटर बोथ में कन्वर्ट करना है, तो 1000 प्लेस की वैल्यू को अलग से राइट कर लेंगे और ml को अलग से राइट कर लेंगे, मतलब बाकी प्लेस वैल्यू को एक साथ राइट करेंगे. यहाँ पे अगर हम इसको राइट करना चाहें 3565 ml, इसमें 1000 कितने 1000 है बेटा, यहाँ पे कितने 1000 है एग्जैक्टली, 1000 प्लेस की वैल्यू क्या है, 3 है ना. यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू राइट करेंगे 3000 और प्लस कितना आ रहा है इसमें 565, तो 3000 ml प्लस 565 ml. इस 3000 ml को क्या राइट कर सकते हैं, 3 लीटर. लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इस 3000 को क्या राइट कर सकते हैं, 3 लीटर. इसको हम 3 लीटर राइट कर सकते हैं यहाँ पे. और ये आपका 565 ml तो था ही, तो इसको ऐसे लिख लिया जाएगा 565 ml आंसर.
3 liter 565 ml. Clear a point? Yes, sir. पॉइंट क्लियर है बेटा. इसमें क्या गिवन था आपका 3565 ml गिवन था, जिसको आपको मिलीलीटर एंड लीटर में कन्वर्ट करना था, लीटर एंड मिलीलीटर में. तो हमने क्या किया, 3565 ml को 3000 ml प्लस 565 ml, यानी इसमें 1000 प्लेस वाला अलग से सेपरेटली राइट कर लेते हैं इस वैल्यू को. 3000 अलग से राइट कर लिया और जो बचा हुआ 565 ml को अलग राइट कर लिया. 565 ml 3000 ml को राइट कर सकते हैं 3 liter, बिकॉज 1 liter इज इक्वल टू 1000 ml. तो 3000 ml में कितना है, 3 liter होंगे. 3 liter यहाँ पे 3 liter राइट करेंगे और ये 565 ml. ओके, बातें क्लियर हो गई. विल यू सॉल्व द एक्सरसाइज 9.8? बेटा आप जो 9.8 के हैं सारे क्वेश्चन कर लोगे? केवल कनीज, विद्या, ये सब लोग बोल रहे हैं. सारे लोगों को नहीं समझ आ रही क्या? 9.8 कर नहीं पाओगे क्या? कर लेंगे. यस बेटा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर. Now addition and subtraction of capacity. अब बात आती है addition और subtraction की, exercise 9.9 की. Same as इसको add और subtract भी करेंगे. चलिए देखते हैं. Point number one. Exercise. क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है. इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कह रहे हैं एड. फर्स्ट पॉइंट है आपका एड. गिवन है यहाँ पे एड द फॉलोइंग. इसमें लीटर और मिलीलीटर में वैल्यू दी है, इनको रिग्रुप करके राइट किया गया है कॉलम मेथड में. लीटर और एमएल. लीटर में यहाँ पे 15 लीटर गिवन है ए पॉइंट के लिए, सॉल्व कर रहे हैं. और यहाँ पे एमएल गिवन है इसके लिए 305 ml. 57 ml इसमें ऐड करना है, सॉरी लीटर 418 ml ये ऐड करना है. ऐड करने के लिए प्लस साइन. बेटा ऐसे ही ऐड करते हैं जैसे सिंपल सा एडिशन होता है, ऐसे ही करेंगे. 5 + 8 = 13. 13 to 3 1 for carry. 0 + 1 = 1. 1 for carry 2. Now 3 + 4 = 7. और यहाँ पे आएगा 6 + 7 13 to 3. 5 + 1 = 6. 1 for carry 7. It means your answer is 73 liter 723 milliliter. Okay. ऐसे तो राइट करेंगे. ऐड तो ऐसे करना आपको. यस सर. यस सर. इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ऐसे ही ऐड कर लेंगे. पॉइंट नंबर 1 कर लोगे ना सारे लोग? यस सर. यस सर. यस सर. सर इसको भी भेजना है 9.9. यस बेटा, पॉइंट नंबर 1 करना है अभी. और पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं. देखिए इसमें क्या करना है, एग्जैक्टली वही आपको सेम प्रोसेस. पॉइंट नंबर 2 में ये मैंने आपका पॉइंट नंबर एड द फॉलोइंग यहाँ भी करना है बाय अरेंजिंग इन कॉलम.
क्या करना है, तो कॉलम में अरेंज करके तब देन आपको ऐड करना है। यहाँ पे पॉइंट नंबर वन गिवन है 73 लीटर। चलिए मैं इसको बैठ करके यहाँ दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं ये, जिसमें आपको कह रहे हैं ऐड द फॉलोइंग बाय अरेंजिंग इन कॉलम। लेट्स से पॉइंट नंबर ए 73 लीटर 348 ml एंड 12 लीटर 290 ml। इधर करना क्या आपको, लीटर एंड मिलीलीटर इन कॉलम में अरेंज करके इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे लीटर, यहाँ एमएल ऐड कर लीजिए। लीटर में वैल्यू गिवन है, यहाँ फर्स्ट वैल्यू है 73 लीटर, एमएल में गिवन है 348 लीटर एमएल। अगेन आपका लीटर में गिवन है वैल्यू 12 लीटर और एमएल में आपका 290 ml। इसको प्लस करना है तो ऐड करेंगे, मतलब ऐड करना है तो प्लस साइन यहाँ पुट करते हैं। ऐड कर लीजिए 8 + 0 = 8, 4 + 9 = 13, 2 3, 3 + 2 = 5, 1 forward carry 6, 3 + 2 5, 5 to 5 mock forward carry। यहाँ पे 7 + 1 = 8, इट मीन्स योर आंसर इज 85 लीटर एंड 638 मिलीलीटर। ये आपका आंसर होगा। ओके, पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। मैच यू विल सॉल्व द रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ इट। ऐसे ही आप ट्राई करेंगे, जिसमें डाउट होगा नेक्स्ट से क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, जिस पॉइंट पे आपको डाउट होगा वो नेक्स्ट से क्लियर कर देंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज 9.9 के भी ट्राई करेंगे, जिसमें डाउट होगा वो नेक्स्ट से क्लियर किया जाएगा। इट मींस यू हैव टू कंप्लीट 9.8 and 9.9, बोथ एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट। इज दैट क्लियर बेटा? दोनों एक्सरसाइज करके शो करना है। आज के लिए इतना रन रहने देते हैं, नेक्स्ट मीट करते हैं आप सबके। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय। गुड बाय बाय बेटा।